हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, आज ईद उल फितर, तो हम लोग तैयार हो चुके हैं, कुर्ता जहाँ पहन चुके हैं और चलिए चलते हैं नमाज़ पढ़ने। तो जो राइट साइड में आप देख रहे हो बिना प्लस्टर घर, ये हमारा पुश्तैनी घर है जहाँ डैड लोगों ने अपना बचपन बिताया था। राइट साइड में उसके बाद मस्जिद है, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे और यहाँ सीधा चलते हैं अभी नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह की तरफ। तो आप देख रहे हो थोड़ा टूटा फूटा है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे कुछ पाइप का काम हुआ है, तो साइड रोडें उखड़ी हैं। लेफ्ट साइड में जो आप बाउंड्री देख रहे हो, ये स्कूल है जहाँ डैड ने अपना बचपन में पढ़ा था, तो ये भी खंडर हो चुका है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। तो यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग है जो खंडर हो चुकी है क्योंकि बहुत लोग सब शिफ्ट हो चुके हैं, बाहर रहने लगे हैं। तो अभी जो आप देख रहे हो सामने, ये यहाँ की ईदगाह है, तो रिसेंटली रेनोवेट हुई है, तो आपको थोड़ा नया लग रहा है लेकिन ये भी पुरानी है। तो सीधा चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ के बाद आपको दिखाते हैं व्यू कैसा है। चौथा आप देख सकते हो खेत है और बाग है, यही सब है। तो ईदगाह जो होती है नॉर्मली वो गांव के आउटसाइड में होती है, तो ये भी गांव के बिल्कुल आउटर साइड में है। सामने पानी है लेकिन गर्मी है तो पानी सूख चुका है, तालाब वालाब सूखा हुआ है। तो अभी चलते अंदर, एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगी है ताकि कुछ लफड़ा ना हो ईद की नमाज में, तो कांस्टेबल अपना बाइक में बैठा है। तो अभी चलते हैं, चप्पल उतारते हैं और अंदर चलते हैं सीधा नमाज पे। तो अभी हम चप्पल उतार चुके हैं, अंदर चलते हैं। तो ईद की नमाज आई थिंक 7:30 का है, तो अभी 7 बजे हैं लेकिन तभी आप देख रहे हो बहुत लोग आ गए हैं, 2-3 लाइन भर चुकी है। तो चलते हैं हम सबसे आगे वाली सब में बैठते हैं। ईद की नमाज़ हो चुकी है, अभी हम गले मिल रहे हैं और सबको ईद मुबारक है जुजल कहते हुए। तो अभी ये जितने भी हैं सब मैक्सिमम खानदान के लोग लगते हैं क्योंकि गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो जो भी होंगे 50% खानदान के लोग होंगे और सब आसपास के लोग होंगे। तो अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ, अभी हम लोग सब गले मिल रहे हैं। तो जितने भी हैं सब आस पड़ोस के हैं या खानदान के हैं, तो ऑलमोस्ट सब खानदानी लगता है गाँव में, तो सब अभी गले मिल रहे, ईद मुबारक कह रहे हैं। अभी हम ईद के नमाज़ पढ़ चुके हैं, तो अभी बाहर निकलते हैं और चलते हैं मज़ार पे। तो अभी आप देखोगे राइट साइड में जो आपको बाउंड्री दिख रही है वाइट कलर की, यहाँ पे 16-17 आई थिंक मज़ार हैं जो कि राजा रजवाड़े के टाइम से है, जो कि शहीदों की है। तो किसी को पता नहीं इसकी डिटेल्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है, लेकिन हाँ सब यहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं क्योंकि हमारे गाँव जब से प्रेजेंट है तब से मज़ार है, तो उसकी बाउंड्री कर दी है, रेनोवेट कर दी है। अभी चलते हैं यहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं और फिर इस मज़ार के आगे एक और मज़ार है जो कि बहुत पुरानी मज़ार है, मेन रोड पे पड़ती है, तो वहाँ भी चलते हैं। पहले यहाँ पे फातिहा पढ़ लेते हैं, तो आप देख रहे हो लाइन से सब लोग फातिहा पढ़ रहे हैं, अभी हम भी फातिहा पढ़ते हैं और फिर इससे आगे चलते हैं। तो फातिहा पढ़ते हैं और आगे वाली मज़ार पर मिलते हैं। तो उधर हमने फातिहा पढ़ ली थी, अभी हम दूसरी मज़ार पर आ गए। इधर मज़ार का नाम है सैयद बाबा की मज़ार है ये। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे फूल बिक रहा है, तो फूल ले लेते हैं क्योंकि आगे कब्रिस्तान में डालने के लिए काम आएगा और मज़ार पे डालने का। तो 50 रुपीज़ का फूल, भाई ईद है तो लूट रहा बंदा, ठीक है चलेगा, 50 रुपीज़ का फूल लेते हैं और चलते हैं आगे। तो अभी हमने फूल ले लिया है, 50 रुपीज़ का ये एक एक बैग दे रहे हैं, तो फूल लेते हैं गुलाब का क्योंकि कब्रिस्तान पर भी डालना रहेगा। तो अभी फूल ले लेते हैं और यहाँ पर भी एक बार अपना फातिहा पढ़ लेते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे कब्रिस्तान। तो सैयद बाबा के मज़ार पर हम फातिहा पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, तो अभी चलते हैं सीधा ये खेत के बीच से होते हुए। तो आप देख सकते हो राइट साइड में जितने भी हैं ना सब आम के बाग हैं और ये नए नए पेड़ लगे हैं छोटे छोटे, जिसमें आम के फल आप देख सकते हो थोड़े थोड़े लग चुके हैं। तो अभी ऐसे बीच बीच में जाएंगे क्योंकि गेहूं का सीज़न है, तो गेहूं ऑलमोस्ट सब खेत में कट चुका है, तो आपको बैरन फील्ड दिखेगा। तो चलते आगे और दिखाते हैं कि ये फील्ड कैसा है, सामने बाग है। अभी हम कब्रिस्तान पहुँच चुके हैं, यहाँ पर फातिहा पढ़ चुके हैं। फातिहा पढ़ने के बाद एक ग्रुप फोटो होती है खानदान की, तो अभी वो आपको दिखाते हैं, फ़ोटो लेते हैं। यहाँ पर जितने भी खानदान के लोग कब्रिस्तान है वो इस एरिया में, तो ये हमारे खानदान का विस्तार है। अभी एक ग्रुप फोटो ले लेते हैं। तो अभी देख रहे हो ये सब खानदान के लोग हैं जो ईद मनाने गांव आए हैं और कुछ यहीं रहते हैं। तो अभी हम एक वीडियो ले लेते हैं इन लोग का, सब खानदान के। तो अभी चलते हैं सीधा, ऐसे ईद में होता है सब घर घर जाते हैं और खाते हैं, तो अभी एक एक कर सब खानदान के सबके घर घर जाएंगे और सेवैयाँ खाएंगे, बिरयानी खाएंगे। तो देख सकते हो जितने लड़के लोग हैं ये लोग खा रहे हैं। अभी हम चलेंगे ऐसे हर घर में, तो अभी सब जा रहे हैं ऐसे करते करते सारा घर कवर करेंगे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।